चार और दो का प्रयोग करके तीन कैसे आता है? तो जैसे कल भी डिस्कशन हो रहा था, चार का वर्ग कर लिया, चल पहले तो जोड़ के दो से भाग करा, तीन आ गया, लेकिन इनको जोड़ के दो से भाग करा तो छह होगा, तीन नहीं आता। वो भी यो आना चाहिए उसी फार्मूले से, ये भी आना चाहिए। तो अब यहां हमने कल किया था चार का स्क्वेयर बटे में दो का स्क्वेयर, तो 16 बटे में 4 कितना आएगा? 4। 4 में से फिर एक घटाया हमने, कितना आएगा? 3। ऐसा ही काम यहाँ किया, 8 का वर्ग बटे में 4 का वर्ग, तो कितना होगा बेटा? 64 बटे में 16। और वो 4 पे कट गया, फिर 4 में से हमने एक घटाया, 3 आ गया। अब 21 और 7 को देखें, 21 का वर्ग बटे में 7 का वर्ग, तो 21 गुणा 21 बटे में 7 गुणा 7, तो 3 पे कट जाएगा, ये भी 3 पे, तो 3 तिया 9, तो 9 में से अब एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आंसर आएगा इसका। सर 8, समझ आ गई बात? यस सर। और बोल बेटा। सर तीसरा ये, हाँ ये था, 3 को गुणा करना है, 7 तिया 21, 21 में से एक गया 20, फिर 20 तिया 60, और उसमें से फिर हमने दो घटाया, 58, 58 तिया 3, 8 24, 3 5 15 और 2 17, और उसमें से अब 3 घटाएंगे तो 171। तो अब क्या करेंगे? 171 को किससे गुणा करेंगे? 3 से, और घटाएंगे कितना बेटा? 4 घटाएंगे अब की बार, तो 3 एकम 3, 3 सात 21, और एक 21 और 3 एकम 3 और 2 5, उसमें से फिर तुमने क्या घटाना है? 4 घटाना है, तो 509 उत्तर आ जाएगा इसका। और बोलो बेटा। सर 15 से 17, 15 से 17, हाँ देखो, इसमें दो तरह की सिचुएशन होती है बेटा, सभी या कुछ, सभी कुछ वाले बोलते हैं इसको। सभी के लिए तो क्या होगा, एक सर्कल बनाओ और उसके अंदर दूसरा बाहर उसके, और कुछ में ऐसे होता है कुछ, ये जैसे ये मान लेते हैं कुछ आम अमरूद है, तो ये तो आम हो जाएगा और ये अमरूद हो जाएगा। कुछ के लिए थोड़ा सा हमने इस तरह की फिगर बनानी होती है, और सभी के लिए एक गोले के अंदर दूसरा गोला जाएगा। तो पहला देखो, ये कहता है सभी सेब आम है, तो सभी सेब, सेब है ना आम, तो सेब अंदर है, सेब तो अंदर हो गया, और आम क्या हो गया बेटा? बाहर हो गया, बाहर हो गया। जतिन ये बात समझ में आ गई? अब कुछ आम अमरूद हैं, अब अमरूद के लिए क्या होगा? कुछ का है तो एक अमरूद का गोला बनाएंगे जो इसको काटता हुआ होगा, तो वो काटने का जो तरीका है ना बेटा, वो ये भी हो सकता है कि सेब को ना छुए, और ऐसा भी हो सकता है कि सेब वाला भी हिस्सा काट जाए वो, ऐसे दो सिचुएशन हो सकते हैं इसकी। तो अब इसके निष्कर्ष पढ़ो, कुछ अमरूद सेब हैं, अब ये अमरूद है और सेब अंदर है, तो एक इसमें कुछ के लिए थोड़ा बहुत काटना चाहिए था ना, तो इसमें तो काट रहा है, इसमें नहीं काट रहा है, तो हमेशा काटना होगा तो कुछ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, तो ये पहला निष्कर्ष इसका गलत है। कुछ अमरूद आम है, ये अमरूद है और आम का हिस्सा तीन काटे रखे है पहले ही, इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, तो ये ठीक है। तो एक पहला निष्कर्ष तो गलत है और दूसरा ठीक है। तो ये कहता है यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी कि दो ठीक है, तो बी आंसर देना तुम्हें, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, दूसरे वाला काला हो जाएगा गोला, ऐसे होते हैं, तो दूसरे वाला काला कर देना। बोलो जतिन, आई बात समझ में? भिन्न का मतलब अलग, उनमें से कौन सा अलग है? अब ये भी समझ ले, देखें
कुछ बसें वैन है, तो एक बस का गोला बनेगा, एक वैन का गोला बनेगा, वैन का, और आपस में थोड़ा काटेंगे क्योंकि कुछ है, कुछ है। फिर कुछ वैन मोटरसाइकिल हैं, ये जो वैन है तुम्हारी ये मोटरसाइकिल हैं, कुछ ऐसे भी हो सकती हैं, वो मोटरसाइकिल जरूरी नहीं, वो बस को भी काटे है। तो अब आगे देखो, कुछ वैन बसे हैं, कुछ वैन बसे हैं, ये तो ठीक है इनका भाई, कुछ वैन बस थी कुछ बस वन, ये तो ठीक है। कुछ मोटरसाइकिल वैन है, कुछ मोटरसाइकिल वैन है, ये भी ठीक है, क्योंकि वैन मोटरसाइकिल थी कुछ, और कुछ मोटरसाइकिल वैन है, ये भी ठीक है, तो दोनों ठीक है। इसका कौन सा काला हो जाएगा? इसका निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, चौथा काला हो जाएगा। चौथा, जतिन और बोल बेटा, बोलो बेटे, ये समझ में आ गए कुछ और सब वाले? हाँ सर, यस सर। 21वां, हाँ ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। रिम टिम बो सन इज होट, सिम जार टिम का मतलब है मून इज कूल। इनमें ये है रिम सन के लिए है, रिम इज के लिए है, होट के लिए है। इस बात का कैसे पता चलता है? जो कॉमन है ना वो ले लो। अब इसमें सन कॉमन है पहले और तीसरे में, है ना बेटा? सन कॉमन है ना, इधर से दिखाई दे रहा है। हाँ सर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? रिम टिम बो और जार बो लिम। सर रिम, सर रिम आपको बो कॉमन है, तो इसका मतलब सन का कोड क्या है? बो है। फिर उसके बाद देखो, पहले और दूसरे में कॉमन है कोई? इज है, इज है ना बेटा? और पहले दूसरे में इधर क्या कॉमन है? रिम टिम बो और सिम जार टिम, टिम कॉमन है, तो इज का मतलब है टिम। इज का कोड क्या है? टिम है। अब देखो सन का भी हो गया, सन का भी हो गया, इज का भी हो गया, अब रह गया के ओड। तो इनमें देखो रिम भी हो लिया, यो टिम भी हो लिया, और बो भी हो लिया, तो इसका मतलब ओट किसके लिए है? रिम के लिए है। ठीक हो गया यस सर। ये कोड अलग अलग छाटने हैं। अब देखो दूसरे तीसरे के लिए कॉमन क्या है? मून। मून इसमें इधर क्या कॉमन है? सिम जार टिम और जार बो लिम। जार है, तो इसका मतलब मून का क्या हो गया? जार। जार बो फोन है, फोन जार दूसरा। समझ रहे हो बात को? जोड़े में देखो सन का भी हो गया, मून का भी हो गया, एंड रह गया इसमें, तो इनमें कौन सा रह गया? देखो जार भी जा लिया, बो भी जा लिया, तो लिम रह गया, लिम। तो एंड का क्या हो गया? लिम। इब सब लकड़ जाएंगे, तो इसने पूछा है एंड के लिए क्या है, तो एंड के लिए क्या लिखा है हमने अभी? लिम। लिम ये आंसर हो जाएगा। अच्छा कूल के लिए पूछा, कूल कौन सी लाइन में ही हो? देखो मून का हो लिया, मून का क्या आया था? जार। जार। इज का क्या आया था? टीम। इज का, अब कूल रह गया, कूल का क्या हो जाएगा? सिम। सिम, तो कूल का सिम हो जाएगा। ठीक है, और बोल बेटा। तेईसवा, ये कहता है ई आई जी एच शब्द को ई एम ओ टी लिखा जाता है, तो ए ई के एल को किस कोड में? अब इनके वह देख लो, ई कौन से आता है? पांच पे आई, बताओ बेटा अल्फाबेट में किस पे आता है आई? आई सर नौवें पर। नौवें पर जी सर, नौ
अर्जी और एच आठवें पे। अब देखो ई कितने पांचवें पे, एम कितने पे है? बेटा एम कितने पे है? तेरह। ओ कितने पे है? पंद्रह। टी कितने पे है? बीस पे। यस सर। ठीक है, अब देखो पांच तो पांच पे रहा है, ए ई के एल इसके भी लिख लो। ए कितने पे? एक पे। ई कितने पे? पांच पे। के कितने पे? ग्यारह पे। और एल कितने पे बेटा? बारह पे। एल बारह पे। ठीक हो गया। अब देखो yes, पांच पांच पे रहा, एक एक पे रहेगा, तो ए तो ये हो गया। अरे नौ से क्या हुआ? नौ चार तेरह, तो चार जुड़े ना इसमें, तो पांच में भी चार जोड़ लो। नौ नौ पे क्या आएगा? आई। yes, फिर उसके बाद क्या हुआ? देखो सात से पंद्रह हो गया, सात और आठ पंद्रह, तो ग्यारह और आठ कितना हो जाएगा? उन्नीस। उन्नीस पे कौन सा है सर? सर एस। एस सर एस। तो और ऐसे ही बेटा आठ और बारह दस बीस होगा, बारह और बारह चौबीस, चौबीस के बाद क्या हो जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो ए आई एक्स। तो मैंने अल्फाबेट का ये बता रखा है, कोड इनकी नंबरिंग लिख लिया और 101% होगा क्वेश्चन। और दे ही बताओ सर। जतिन समझ में आ गया बेटा? यस सर। जतिन जतिन यस सर। चलो अगला देखो बेटा। कोई ममता कई दिन ज्वाइन करा बेटा तुमने? अच्छा एक से हजार तक जीरो कितनी बार आता है? ये तो गिनने पड़ेंगे बेटा। दस ताई तो एक, देखो दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे और सौ, कितना हो गया? एक दो तीन चार, ग्यारह हो गया। ग्यारह होगी ना? ग्यारह के बाद फिर एक सौ दस है, एक सौ बीस, एक सौ तीस, ऐसे गिनेंगे बेटा। और दो सौ तक, तो ग्यारह प्लस में ग्यारह ये हो जाएंगी। फिर ऐसे ही ग्यारह कितनी बार जुड़ेगा ये जोड़ते जाओ और कर लेना इसको। तो चौतीस में से आगे पैतीसवा, यही है ना? देखो पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। ध्यान से पढ़ना इसको। P हैज क्यू का अर्थ है P क्यू के पति हैं, P एंड क्यू का अर्थ है P क्यू की बेटी है। अब देखो यहाँ से शुरू करेंगे हम। A एट द रेट B, ये है A जो है वो B का क्या है? पिता है। पिता को ऊपर लिख लो और B को नीचे लिख लो। फिर B हैज क्यू, P क्यू का पति है, तो B जो है वो C का पति है, तो C तो औरत है, ये मेल है पुरुष है कोई, और इसका पिता ए है। तो ए और सी का क्या रिलेशन है? या पुत्रवधु है यो ससुर है भाई, बी की पत्नी है सी और बी का पिता क्या है ए, तो ये क्या हुए? ससुरार बहू है ना, तो ससुर हो जाएगा इसका।
अब ए डॉलर बी, ए डॉलर बी, ए डॉलर ये है ना, तो ए बी की माता है, ए को ऊपर लिख लो, बी को नीचे लिख लो, पी डी वाइज लिख लिया, और बी एंड सी, बी क्यू की बेटी है, बी जो है क्या है, क्यू की बेटी है, देखो ए तो बी की माता है, और फिर क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी की बेटी है, तो ए और सी क्या हुए, पति पत्नी हुए, तो सी और ए का क्या मतलब हुआ, पत्नी और पति का रिलेशन है, तो इसने पूछा है सी का ए से, ए पहले पिता है ना, अब माता है, माता है, तो सी जो उसका पति हुआ, पति, हाँ जतीन समझ में आ गई बात है, सर, पहले इसका सर, इसका संबंध निकालो, फिर इसका निकालो, और बोल बेटा, और बोल, 48 हाँ देखो इनमें क्या होता है, या तो ऐसे चल के देख लो इसके चारों बड़े, और नई बात बनती तो आमने सामने के खाने या एक का खाने में देखो, यहाँ देखो 3-9 से 216 आया होगा, ऐसे ही 3-6 से 27 आया होगा, 8 और 7 से 1 आया होगा, तो ये हो तो 8 और 7 से 1 तो घट के आज का है, 8 में से 7 गया, 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 आएगा, अब यहाँ देखो 6 और 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये बड़ी में से छोटी संख्या को घटा रहा है और उसका घन कर रहा है, क्यूब कर रहा है, 9 में से 3 गया 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, अब यहाँ बताओ क्या आएगा, सर 125 आ जाएगा, वेरी गुड सर, 125, ओके ओके 125, समझ आ गई बात, यस सर, और बोलो, यस सर, सर 47 46, 45 सर, ओके, अब ये देखो 12, 15 और 20, उसे 20 कैसे आया, 13, 18 और उससे 26 कैसे आया, 26 कैसे आया, अब 15 और 12 कितना होता है, 27 है, और देखो अब इस 27 से 20 कैसे आएगा, ये तो बात बनी नहीं, उसके बाद क्या करेंगे हम, इनको गुणा कर लो, गुणा कितनी आएगी इनकी, 180 आएगी ना सर, 180, तो 180 को 20 से भाग दो तो 9 आएगा, तो ऐसे ही यहाँ होना चाहिए 13 गुणा में 18, ठीक है, कितना आएगा, और उसको किससे भाग करें, 9 से तो 26 आना चाहिए, तो आ जाएगा, तो यही किया इसने, इसने इसने क्या किया बेटा, इनकी गुणा को 9 से भाग किया है, 15 गुणा 12 को किससे भाग कर दिया, 9 से तो 20 आ गया, 13 गुणा 18 किया, 9 से भाग किया तो 26 आ गया, तो अब क्या करेंगे हम, इसको किससे भाग करें कि 7 आवे, और 9 से भाग करना तो 9/9 हो जाएगा ना, 9 से 9 कट जाएगा, तो 7 × 7 आ जाएगा, तो 9 उत्तर हो जाएगा इसका, दोबारा समझो, देखो 12 और 15 गुणा करे 180 आया, तो 180 से 20 कैसे आएगा, 9 से भाग करेंगे ना, 13 × 18 को हम 9 से भाग करें 26 आता है, तो इनकी जो भी गुणा है 7 और जैसे x मान लेते हैं, 9 से भाग करते हैं तो 7 आएगा, 7 से 7 कट गया, x/9 = 1, तो x कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, चौवनवा
यदि अंग्रेजी के वर्णमाला को उल्टे क्रम से लिखें बाएं से बारहवां, तो ये तो ए बी सी डी लिख लो जब हो जाएगा, दाएं से अठारहवां कौन सा होगा? कैसे नहीं हुआ यार? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह तेरह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस। अब क्या कहा है इसने, यदि अंग्रेजी के वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो बाएं से, उल्टे क्रम में क्या हो जाएगा बेटा, पहले जेड वाई ये लिखेंगे हम, तो ये एक हो जाएगा इधर, इस पहले लिखेंगे हम जेड लिखेंगे, या ऐसे लिखते आएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब बारहवां कौन सा होगा, इधर से एल होगा ये रहा। अब देखो ये देखो, अब पहले तो उल्टे क्रम में लिख लिया, अब बाएं से, बाया इसका इधर है कि बेटा इधर है, इधर है इधर, जेड की तरफ है कि ए की तरफ है, जेड बाया है या ए बाया है? जेड है बेटा, यह गड़बड़ कर रहा है, यह गड़बड़ कर रहा है बेटा तू, या यो बाया पक्ष है बेटा, दाहिने हाथ की तरफ दाया और ओले हाथ की, ये है, इधर से बारहवां चलना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ओ। फिर इसने कहा है बारहवें अक्षर के दाएं और आठवां, अब इसके तरफ हमने कितना चलना है, दाएं आयो है इसका इधर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, जी उत्तर हो जाएगा इसका जी। जतिन समझ में आ गई बेटा बात? यस सर। ओके और बोल। हैं बेटा पचपनवा। यदि किसी माह का सातवां दिन शनिवार है, किसी महीने की सात तारीख हैं, महीना मंथ अंग्रेजी में भी लिख रखे इधर बेटा, किसी महीने में सात सात तारीख को शनिवार है सैटरडे, तो तीन दिन पहले आता है शनिवार से, तीन दिन पहले आता है शनिवार से, तीन दिन पहले क्या हो गया, तीन दिन पहले चलेंगे बेटा शुक्रवार बृहस्पतिवार और बुधवार, बुधवार आएगा। देखो यदि किसी महीने का सातवां दिन शनिवार से तीन दिन पहले आता है तो बुध हो गया, तो उस दिन उस माह का सत्रहवां दिन कौन सा होगा, तो सात में सात जोड़ेंगे तो चौदह न बुध होगा, फिर पंद्रह ने शुक्र हो गया, सॉरी बृहस्पति हो गया, सोलह ने शुक्र हो गया, सत्रह ने फिर क्या हो गया, शनिवार हो गया, ठीक है। और बीच में कौन की तरह बनाया, अच्छा घड़ी में सात बजकर तीस मिनट पर, यह घड़ी है
यो छः का है, यो सात का है, यो आठ का, यो नौ का है, यो बारह का है। तो इसने टाइम बताया बेटा 7:30। तो 7 और 8 के बीच में तो यह है, और बड़ी किस पे है बेटा? इस पे। तो देखो एक मिनट सुनो, 1 मिनट चलोगे ना तो 30 डिग्री आ जाए कोण, 6 डिग्री। एक और यहां से यहां कितनी मिनट चलोगे तुम? 5 मिनट तो ये होगी। यस सर। और ढाई और, समझ रहे हो? और 1 डिग्री में कितना, 1 मिनट में कितना चला जा है? 4 सेकंड। 6 डिग्री का कोण बन जाए 1 मिनट में, 6 हैं? तो 5 तो ये पूरे हो गए, 6 5 30, और आगे कितने चलोगे बेटा? 2.5। तो 6 2 12 और आधे में 6 में और जोड़ दो, इसका 3 जुड़ जाएगा। तो 30 और 12 42 और 3 45, 45 डिग्री हो जाएगा। न्यू चलना कि 1 मिनट सुई वाली मिनट जब जो है ना, सुई वाली जो वो क्या है ना, मिनट वाली सुई है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री बना देती है, 5 मिनट में 30 डिग्री बना देती है, 15 मिनट में 90 का नहीं बन जाएगा यो? और बोल बेटा। जतिन अच्छा, बुधवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, 26 जनवरी स्वतंत्र दिवस होता है, 15 अगस्त अगले महीने, 10 दिन बसंत, 10वें दिन बसंत पंचमी की छुट्टी थी। तो 10 तारीख को कौन सा था? देखो 26 को तो हो गया बुध, ठीक है, और 26 प्लस में 7 कितना जाएगा? 33, महीना था 31 का यो, तो 2 दिन बच गए। तो 2 तारीख को क्या है फिर? बुधवार है, और 2 प्लस में 7 9 को भी बुधवार है, तो 10 को क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। समझ आ गई बात बेटा? और सर आकृति वाले तो तुम्हें ध्यान से करने बेटा। देखो ये क्वेश्चन फिगर है, इसको ध्यान से देखो और फिर इसको देखो, इसमें क्या हुआ? इसमें ये त्रिभुज ऊपर न सरक गई, और ये जो त्रिभुज थी ये उल्टे बल चाली है, इस स्थान पर आ गई, और यो इसके स्थान पर आ गया, ये सही हुआ ना? अगले में क्या हुआ? अगिया एक स्थान छोड़ के और नीचे आ गई, मतलब त्रिभुज ये जो ऐसे चल रही है, एक छोड़ के एक चल रही है, और यह जो त्रिभुज है या सिर्फ एक स्थान सरकती है, पहले यहाँ थी अब यहाँ होगी, तो अगली बार ये कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, या खाली वाली, और डार्क वाली इसने छोड़ के इसमें आओगी, तो ये हो जाएगा दूसरा। ये तो ध्यान तो देखो बेटा, जब होगा अब जैसे यो फिगर पूरी किस्ती करेगी, मतलब ए इसमें पूरा पेंसिल से करके देख ले उड़ा, ठीक है, और यो तो यो कौन सा में देख लो, यो इसमें है, समझ आ गई होगी बात ये? यस हाँ सर। और बोलो बेटा। जतिन बोल भाई। और अच्छा ये कहता है नंबर रिलेटेड बताना हमने,
ये कहता है सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन रिलेशन, संबंधित बताना है। 583 से 295 आ गया, ठीक है, और 486 से ये कैसे आएगा। अब देखो दो तरीके हैं, 5 और 3 8 और 5 और 2 9। अब एक तरीका ये भी, 5 में से 3 गया 2, 2 का क्यूब 8, 5 में से ये हो जाएगा, ये जैसे 6 में से 4 गया 2 और 2 का क्यूब 8 होगा, और 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग 9 हो गया, तो 3 का 9, तो हाँ तो घटाने के बाद वर्ग कौन सा बन लाइन में वो देख लो। ये नहीं है, 4 8 7, 7 में से 4 गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नो सर। और देखो दूसरा तरीका देखो, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 9 गया, यो 1 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, ऐसे इसमें है कोई, इनमें नहीं है। दूसरा तरीका 8 और 5 13 और 13 3 16 और 9 और 2 11 और 5 16, सभी का जोड़ 16 बन रहा है अंकों का योग। यस सर। और 8 और 4 12 और 6 18, हाँ जी बोलो, 18 तो 18 इनमें देख लो किसका बन रहा है। सात और तीन 10 और 8 18, ये हो गया दूसरे का बन रहा है 378 का, अंकों का योग 18 है, इसका भी 18, इसका भी 18, इसका कितना था 16, इसका भी 16। और बोलो बोलो बेटा, और बोलो बयासीमा इनके ऊपर वो लिख लेना कोड, तो इनमें चेंज होता हुआ मिलेगा। जैसे आर का कितना है 22, यू टी का कितना है 20, यू का कितना है 22 और 24, ठीक है। ऐसे डब्लू का बताओ, यू का 22, टी का 21, और क्यू का 20, और क्यू का 16, जी का 17, जी का बताओ, जी का 17, क्यू का 17 है, क्यू का 17 है, तो आप बताओ जी का बताओ, जी का 7, ई का 5, और डी का 4, और ए का 4, ठीक हो गया, और ई का 5, सी का 3, बी का 2, और वाई का 25। अब देखो 7 में 2 घटा 5 आ गया,
देखो बेटा इसमें क्या हुआ, दो घट गया, इसमें भी दो घट गया। सर आर का 18 आएगा। आर का 18 है। 18 आर 18 पे है। एस टी बी सर यू 21 आएगा। यू 21 है। यस सर। ठीक है बाकी सर यू फिर 21 आएगा इसमें सेकंड वाले में। यस सर। और क्या हूँ सर क्या हूँ 17 पे ही है। अच्छा डब्लू कितने पे था सर। डब्लू 23 पे। ठीक है अब देखो 23 में से 2 गया 21, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो ये और इसमें क्या हुआ जुड़ा हुआ है। यस सर। तो ये अलग है। इसमें क्या हुआ 4 में से 3 का फासला है, 20 के बाद 3 का, यहाँ भी 3 का है, हैं लेकिन पहले वाले में फर्क है, इसमें घटा हुआ है, इन दोनों में दो दो और इसमें दो स्थान जुड़े हुए हैं, तो आर टी यू एक्स गलत है। और बोलो और कोई प्रॉब्लम है भाई निखिल दीतिका बेटा और कोई हो। बाकी पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है बेटा। ठीक है जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन ध्यान से जरूर पढ़ना बेटा, हर क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार पढ़ो। अगर कई बच्चे जल्दबाजी में भी गलत करे होंगे आसान है तो उनने भी, लेकिन तगाजा नहीं करना कोई भी। ठीक है ओके बेटा बेस्ट ऑफ लक।